YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट 2018 का फॉर्म जो है वो निकल चुका है। उस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी हां, आपको पता है कि सूचना सहायक के 1302 पदों पर विज्ञप्ति निकल चुकी है और उसका फॉर्म भी निकल चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्म को भरना किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले हमको RSMSSB की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर हमको जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे जाएंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। उसमें आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट 2018। देखिए, इसमें अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगी, देखिए, जिसमें बताया हुआ है कि 8 मार्च को जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और उसकी लास्ट डेट जो है वो 6 अप्रैल 2018 जो है वो आपकी लास्ट डेट है। ठीक है सर, तो ऑनलाइन फी जो है आपको 6 अप्रैल तक फिल करनी है। टोटल पोस्ट 1302 है। देखिए, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन का, तो अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक दे रखा है इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलकर आएगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। देखिए, इसमें एंटर SSOID पूछा है। देखिए, इधर ऑप्शन दिए हैं लॉगिन विद डिपार्टमेंट, लॉगिन विद कैंडिडेट। हम कैंडिडेट हैं तो हमें लॉगिन विद कैंडिडेट होना पड़ेगा। अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपके पास SSOID और पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। आने के बाद उसमें SSOID और पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करेंगे तो इस तरह की यहाँ स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको अपनी आईडी मिल जाएगी। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट पे क्लिक करना है। डू यू वॉन्ट टू फैच डाटा फ्रॉम, अगर आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ बना ली है तो ये पूछेगा कि आपको वहाँ से डाटा फैच करना है। अगर आपने प्रोफाइल में सब कुछ एंटर किया है तो आप इसको यस कर दीजिएगा। में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन जो है वो खुलकर आएगी, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोजर सब कुछ फिल करना होगा। पर्सनल डिटेल में अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉन कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। देखिए, जो कॉलम है चाइल्ड बॉर्न वाला, इसमें आपको 2002 से पहले कितने चाइल्ड थे वो फर्स्ट कॉलम में फिल करना है, और 2002 के बाद कितने चाइल्ड हैं, कितने हुए हैं और उसमें आपको फिल करना है। यहाँ का टोटल अपने आप यहाँ आ जाएगा। अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ इसमें आपको फिल करना है। अगर आप शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसको यस करना है, और नहीं करते हैं तो इसको नो करना है। इसमें आपको अपना एड्रेस जो है वो फिल करना पड़ेगा। एड्रेस फिल सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बाद आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, नेशनलिटी, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब कुछ आपसे पूछेगा। इसमें एक कॉलम है, देखिए, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। अगर आप किसी और देश से इंडिया में आए हैं तो आए हैं कि नहीं आए हैं, तो अगर आए हैं तो यस, नहीं आए हैं तो नो को क्लिक करना है। अगर आए हैं तो कौन सी कंट्री से आए हैं तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। देखिए, पर्सनल डिटेल के ही कॉलम में एक और आपके पास कॉलम जो पूछा गया वो है एडिशनल कैटेगरी, अतिरिक्त श्रेणी। अगर आप किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, PSC एम्प्लॉय हैं, SSC एम्प्लॉय हैं, तो आपको इसमें इसको भी फिल करना होगा। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा, आपने सेकेंडरी की है या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है, सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट जैसे कि डिप्लोमा, और आपने अगर किया है तो वो आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए, आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, आपने इसमें से जो कि इसकी क्वालिफाइड हैं, जो लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल, सपोज आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने ओ लेवल का कोई कोर्स किया है, तो उससे उस कैटेगरी को आपको इससे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी जो इसमें फील्ड्स हैं, बोर्ड का नाम, रोल नंबर आपका, वो सब आपको इसमें फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, आपको इसमें नेक्स्ट पे क्लिक जैसे आप करेंगे आपका अगला कॉलम खुल जाएगा। अब इसको मैं फिल कर देता हूँ। इस तरह से अपनी सारी डिटेल आपको इसमें फिल कर देनी है। फिल करने के बाद इसमें किसी भी फाइल को अपलोड नहीं करना। देखिए, यहाँ लिखा हुआ डू नॉट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, तो किसी तरह के डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं करना है। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
आपके सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, ये सब हमको उसमें फिल करना पड़ेगा। इसमें हमको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज जो है वो 50 KB से 100 KB के बीच का हो। सिग्नेचर हमें करना है हिंदी के अंदर जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में हो, और हमारा जो ओरिजिनल सिग्नेचर है जो भी हम इंग्लिश हिंदी में करते हैं वो हमको इसमें अपलोड करना होगा। और साथ में देखिए एक कॉलम और इसमें पूछा है कि आपका बॉडी मार्क कोई आपकी पहचान के लिए इन्होंने पूछा है, आइडेंटिफिकेशन कोई किसी के तिल है मोल मार्क है, तो वो सब इसमें अपन को फिल करना होगा। देखिए सब डिटेल फिल करने के बाद हमको क्या करना है, फोटो साइन वगैरह सब अपलोड कर देने हैं। देखिए किसी कारण से अगर आपको फोटो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें साइज जो मेंशन है उसी साइज की ही फोटोज होने चाहिए, अगर टाइम लग जाता है तो आपका ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाएगा, तो इसको घबराइएगा मत, आपका फिर से ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो हमको फिर से कुछ नहीं करना है, SSO ID और पासवर्ड जो है अपना वो अपन को फिर से एंटर करना पड़ेगा। अपना SSO ID और पासवर्ड एंटर कर देंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने ओपन होगा। तो देखिए इसमें ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस और माय एप्लीकेशंस के तीन इसमें कॉलम बने हुए हैं, तो अपन अगर अप्लाई कर रहे हैं हमारा फॉर्म बीच में रह गया तो देखिए माय एप्लीकेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का अप्लाई नाउ ऑप्शन दे रखा है, हमको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारे पास एक नया पोर्टल खुलकर आएगा। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि मंडे और ट्यूजडे से इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास अपडेट पहुंच सके, आप इस जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सके, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसमें हम GK वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपका फिर से फॉर्म जो है पूरा खुल जाएगा, आपको आना पड़ेगा बेसिक डिटेल में, पर्सनल डिटेल में, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप दोबारा इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि फोटोज अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए, अगर हो चुके हैं तो आपको नीचे जो नेक्स्ट का जो ऑप्शन दे रखा है आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, मतलब अपने एप्लीकेशन का क्या कर लीजिए, प्रीव्यू कर लीजिए। तो अपनी एप्लीकेशन को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो भी डिटेल्स आपके द्वारा भरी गई हैं वो सब डिटेल्स एकदम सही हों। देखिए क्योंकि गलत होने का बहुत दिक्कत हो सकती है फाइनल सिलेक्शन के टाइम, अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ जो आपकी रोल नंबर वगैरह है उसको एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है। देखिए इसमें लिखा हुआ जब तक आप फीस अगर आपकी सबमिट होगी तो ये का जो था निशान वो आएगा, अभी फीस आपके सबमिट नहीं है तो इसलिए वाला टिक आएगा। डिक्लेरेशन एंड में ये पूछता है कि मैंने जो बोला है या मैंने जो एंट्री की है सब कुछ बिल्कुल सही है, अपनी सारी डिटेल बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि कहीं आपने गलत डिटेल फिल कर ली है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखिए एंड जो स्टेप है अपना वो क्या है, फीस पेमेंट का, तो आप पे फीस पे आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप पे फी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे फी पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप अभी फीस पे करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हम सब जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 450 फीस है, OBC के लिए 350 है, और अदर्स के लिए जो फीस है वो कितनी है, 250 है। तो देखिए आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन जो है वो ओपन होकर आएगा। इसमें बताएगा कि आपकी कब आपने एप्लीकेशन की है, आपकी फीस कितनी है, देखिए 350 फीस OBC कैटेगरी की, आपके नाम वगैरह डिटेल हो गएंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आपको फीस पे करनी है तो आप पे फी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फीस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इफ यू वांट टू पे क्लिक ओके, तो अपन को ओके पे क्लिक करना है, और ये बोल रहा है कि रिफ्रेश मत कीजिएगा। देखिए रिफ्रेश मत कीजिएगा ताकि अगर आपने रिफ्रेश किया तो ये प्रोसेस जो है आपका बीच में ही रुक जाएगा, तो अपन को किसी भी कंडीशन में इसको रिफ्रेश नहीं करना है। देखिए फिर लिखा रहेगा पेमेंट इज अंडर प्रोसेस, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज एंड क्लिक बैक बटन ऑन दिस विंडो। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इस पर अभी थोड़ा लोड है, काफी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है कि आप फीस जो है वो किससे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इजीली इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका पेमेंट आपको जिसके थ्रू करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे आपका पेमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। आपकी फीस जो लगेगी वो कितनी लगेगी, 376 रुपीज़ OBC कैटेगरी के लिए इतनी फीस जो है वो चार्ज की जाएगी, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो आप दोबारा उसी पोर्टल में लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं, डैशबोर्ड पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए अपनी प्रीव्यू देख लीजिएगा आप, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है हमारे आगे सब काम में एप्लीकेशन नंबर काम आएगा, तो उसको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन पर देख लीजिए, देखिए पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद ये राइट जो है ग्रीन हो जाएगा बिल्कुल निशान जो है पेमेंट, मतलब इसका मतलब पेमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सक्सेस हो गया है। तो उसके बाद कुछ नहीं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था IA के फॉर्म भरने का,
तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो मंडे और ट्यूसडे से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आईए की, ऑनलाइन फ्री क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं उसको आप अटेंड कर सकें और आईए में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो आप स्कोर सकें। इसके अलावा अगर आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, फीस से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से देखिए सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव हो गई है फाइल, देखिए पूरा प्रोसेस था। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी नए अपडेट्स पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।